दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक 1937 में नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई और ये दुनिया की एकमात्र ऐसी बुक है जिसे लिखने के लिए कई सालों तक रिसर्च की गई और लगभग 500 से ज्यादा उस टाइम के सबसे अमीर लोगों के इंटरव्यूज लेने के बाद इस बुक में अमीर बनने के लिए या फिर लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल बताए गए जिन्होंने अब तक कई लोगों को सक्सेसफुल बनाया है। और ऐसा भी माना जाता है कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक ने अब तक जितने भी लोगों को अमीर बनाया है, जितने लोगों को कुछ बड़ा करने के लिए इंस्पायर किया है, आज तक उतना ना कोई बुक कर पाई है ना ही कोई लीडर कर पाया है। शायद इसीलिए आज कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और लीडर्स भी इस बुक को पढ़ने की एडवाइस देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बुक में अमीर बनने के लिए ऐसे कौन से रूल्स एंड प्रिंसिपल बताए गए जो कि इस बुक को इतना खास बनाते हैं। दोस्तों, नेपोलियन हिल एक मिडिल क्लास इंसान थे जो कि एक मैगजीन के लिए एज ए राइटर काम कर रहे थे और उसी मैगजीन के लिए उन्होंने अमेरिका के एक बहुत सक्सेसफुल इंसान जो कि सबसे अमीर इंसान भी थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए, जिनका नाम एंड्रयू कार्नेगी था। एंड्रयू कार्नेगी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद उस मुकाम को हासिल किया था। नेपोलियन हिल और एंड्रयू कार्नेगी के बीच इंटरव्यू केवल कुछ घंटे का रखा गया था, लेकिन वो इंटरव्यू पूरे 3 दिन तक चला क्योंकि एंड्रयू कार्नेगी बहुत अच्छे से जानते थे गरीब होना अपने आप में कितनी बुरी चीज है, गरीब लोग कितना मुसीबत झेलते हैं। और इसीलिए एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को एक चैलेंज दिया और कहा, देखो पूरी दुनिया में मेरे जैसे कई सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपनी गरीबी को हराकर सक्सेस अचीव करी है, जिन्हें अमीर बनने और सक्सेस होने के कई सारे ऐसे राज पता है जो कि एक साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। और यदि हमारी ये नॉलेज हमारी मौत के साथ दफन हो जाती है तो ये अब तक की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इसलिए आप अपने अगले 20 साल एक ऐसी फिलॉसफी तैयार करने में लगाएं जिनमें आप उन सभी सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लीजिए जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और फिर उस पूरे ज्ञान को एक छोटे फॉर्मूले में बदलकर दुनिया के उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सही नॉलेज और एक पर्याप्त सुविधा ना होने की वजह से एक कंफर्ट में फंसकर रह जाते हैं। क्योंकि हमारी सक्सेस के पीछे पैसे से बढ़कर कई बड़ी पावर्स काम करती है, कई ऐसे थॉट काम करते हैं जो एक साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। क्योंकि हर इंसान को लगता है कि अगर उसके पास पहले से बहुत सारा पैसा होता और इसी सोच की वजह से वह अपनी उन पावर्स का थॉट का यूज नहीं कर पाता। और इस चैलेंज को नेपोलियन हिल ने एक्सेप्ट किया और पूरी दुनिया के अलग अलग जगह पर रहने वाले उस वक्त के सबसे अमीर लोगों के पास वो गए, उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने लगभग 500 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया और लगभग 1000 pages के नोट तैयार किए और उन्होंने उन 1000 pages को कंबाइंड करके 13 rules बनाए जो कि किसी भी इंसान के लिए सक्सेस की साबित हो सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने 20 साल का समय लगाया और फिर तैयार हुआ थिंक एंड ग्रो रिच बुक। तो दोस्त, आज हम इस बुक के उन 13 rules को कंबाइंड करके टोटल 6 points में उस प्रोसेस को समझने वाले हैं। उसे फॉलो करता है तो पैसे कमाना तो उसके लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ होगी, वो अपनी लाइफ में उस मुकाम तक पहुंच सकता है जहां तक पहुंचने की उसकी वास्तविक क्षमता है। तो चलो यार, शुरू करते हैं इस बुक का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, बर्निंग डिजायर। दोस्तों, कोई भी इंसान किसी भी मुकाम तक पहुंचना चाहता है उसकी शुरुआत एक डिजायर से होती है। डिजायर यानी कि एक प्रबल इच्छा कि ये चीज मुझे किसी भी हाल में हासिल करनी है, एक ऐसी इमेज जिसे वह पाना चाहता है।
और दुनिया में ज्यादातर लोगों का एक डिजायर तो होता है कि यार मुझे अमीर बनना है, मुझे जॉब हासिल करनी है, मुझे खुद का बिजनेस करना है, लेकिन उनका वो डिजायर बर्निंग डिजायर नहीं होता है। वो आज एक बिजनेसमैन को देखकर बिजनेस करना चाहते हैं तो कल किसी और चीज से इंस्पायर होकर कुछ अलग करना चाहते हैं, और ऐसे ही वो लगातार अपने डिजायर बदलते रहते हैं। इसलिए यदि कोई भी इंसान एक बिग सक्सेस अचीव करना चाहता है तो उसके पीछे एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, क्योंकि जब आपका एक बर्निंग डिजायर होता है तब आपका ब्रेन पूरी तरह से उस चीज पर फोकस होता है। और आप जिस चीज को ऐसे समझिए कि जब आप एक कार या बाइक को खरीदने की प्रबल इच्छा बना लेते हैं कि यार मुझे इस कंपनी की ये बाइक खरीदनी है, तब पूरे बाजार में, पूरी सिटी में उसी कंपनी की कार दिखाई देती है, जबकि पहले भी वो कार वहां चलती थी, लेकिन अब आपके ब्रेन में उस चीज के लिए, उस कार के लिए बर्निंग डिजायर है, आप उसे पाना चाहते हो। और जब भी किसी चीज को पाने की हमारे अंदर एक प्रबल इच्छा होती है, तब हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे उस डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए चाहिए। लेकिन केवल बर्निंग डिजायर होना काफी नहीं है, इसके आगे भी 5 पॉइंट है जो आपको ध्यान से सुनने हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, इमेजिनेशन। इमेजिन करना कुछ लोगों की नजर में केवल बड़े सपने देखना होता है, लेकिन असल में हमारी सक्सेस में इमेजिनेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन इमेजिनेशन भी 2 तरह की होती है। आपने अपना एक डिजायर बनाया कि यार मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है, ऐसे में आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला कि आप कोई गलत काम करके पैसे कमाओगे, दूसरा कि आप कोई अच्छा काम करके पैसे कमाओगे। ऑथर हमें दूसरे टाइप के इमेजिनेशन करने की बात कर रहे हैं कि आप अपना एक डिजायर बनाओ, उसके बाद इमेजिन करो कि कैसे आप अपने आप को कैपेबल बनाकर एक सही डायरेक्शन में मेहनत करके अपने डिजायर को पूरा कर सकते हो। और अब आता है इन दोनों प्रिंसिपल को मिलाकर बनने वाला 3रा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, नंबर 3, ऑटो सजेशन। जब हम अपना एक बर्निंग डिजायर बना लेते हैं कि मुझे एक बड़ा बिजनेस करना है, और फिर हम उसमें खुद का एक बेटर वर्जन इमेजिन करते हैं कि यार मुझे खुद को कैपेबल बनाकर एक सही डायरेक्शन में मेहनत करके अपने बिजनेस में सक्सेस चाहिए, और जब हम इस प्रैक्टिस को बार बार अपने ब्रेन में रिपीट करते हैं, तब हमारा ब्रेन ऑटो सजेशन मोड में चला जाता है, यानी कि सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में चली जाती है। फिर हमारा ब्रेन उस डिजायर को पूरा करने के लिए हमें सही सजेशन देता है। पूरा प्रोसेस ठीक वैसे ही जैसे हम बाइक चलाना सीख जाते हैं तो हमें बार बार याद नहीं करना पड़ता कि हम कब ब्रेक लगाएंगे और कब गियर चेंज करने हैं। हम ऑटोमेटिक ये सारी चीजें सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है जब हम बार बार बाइक चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसी कायम को रिपीट करते हैं। इसलिए थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेशन मोड में जाने के लिए अपने बर्निंग डिजायर और इमेजिनेशन को बार बार रिपीट करने की एडवाइस दी है। और अब आता है अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, नंबर 4, टेक डिसीजन। नेपोलियन हिल ने उन सभी 500 अमीर लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद 30 ऐसी वजह निकाली जिनकी वजह से सबसे ज्यादा फेलियर मिलते हैं, और उन सभी 30 वजह में से सबसे टॉप पर जो वजह थी वो थी अपने काम को बार बार टालना, एक सही डिसीजन नहीं ले पाना। यानी जब हमारी लाइफ में वो एक मौका आता है, जब हम एक सही डिसीजन लेके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं, उस टाइम 90% लोग केवल सोचते हुए टाइम निकाल देते हैं, ना तो वो उस काम को करने का डिसीजन ले पाते हैं, ना ही उस काम को नहीं करने का डिसीजन ले पाते हैं, वो बस खुद से बहाने बनाकर उस काम को टालते रहते हैं, और यही उनकी लाइफ में फेलियर की सबसे बड़ी वजह बनती है।
इसलिए सही टाइम पर सही डिसीजन लेने की क्षमता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अब आता है अगला प्रिंसिपल, जो कि हर उस इंसान के लिए समझना जरूरी है जो कुछ करना तो चाहता है लेकिन फेलियर का डर उसे कुछ करने नहीं देता। नंबर 5, अवॉइड फियर। नेपोलियन हिल कहते हैं, हमारी लाइफ में जितना बड़ा गोल होगा हमारे रास्ते में उतना ही बड़ा फियर होगा। कई बार हमें फेल होने का डर, कई बार हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस होने का डर आगे नहीं बढ़ने देता। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, काश उस वक्त मैंने वो काम कर लिया होता, मैंने वो डिसीजन ले लिया होता तो आज मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती, आज मैं सक्सेसफुल होता। लेकिन उनसे वो पूछा जाता है कि आपने वो क्यों नहीं किया, तो उसका जवाब होता है फियर, डर। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सक्सेसफुल इंसान अपने उस डर से जीतकर सही समय पर सही डिसीजन लेता है, इसलिए वो सक्सेस होता है। अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपने उस फियर को अवॉइड करना होगा। और अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी प्रिंसिपल आता है नंबर 6, स्ट्रॉन्ग विल पावर। दोस्तों, विल पावर इस दुनिया की एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसके दम पर एक इंसान कुछ भी कर सकता है। एक इंसान जो गरीब है खुद को एक अमीर इंसान के रूप में बदल सकता है, तो एक बीमार खुद को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकता है। और जब हम किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करते हैं तो उस वक्त हमारे रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम आती है, कई सारे फेलियर मिलते हैं। लेकिन यदि हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो चाहे लाख परेशानियां आए हम लगातार एक्शन लेते हैं और एक दिन हमारे वो एक्शन हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी विल पावर का यूज करके अपने डिजायर को पूरा करने के लिए? और आपका गोल क्या है, आप खुद को किस मुकाम पर इमेजिन करते हैं, आप ये सब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इन्वेस्टिंग स्कूल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।